हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 के आगे का सॉल्यूशन। मैंने आपको 5.3 में 3 का क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 के आगे का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। इन एन एपी यानी एक एपी में आपका इतना कुछ दिया गया है, आपको जो फाइंड करना है वो है आपका n, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड n एंड d, यानी कि n आपको फाइंड करना है जिसको हम लोग टर्म्स बोलते हैं और d फाइंड करना है जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो चलिए देखिए, a गिवन है, a n भी गिवन है, s n गिवन है, आपको n और d फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो लास्ट टर्म आपका गिवन है ए एन इक्वल टू 62, तो ए एन इक्वल टू 62 आपका गिवन है। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी इक्वल टू 62। तो ए है ये, ए का वैल्यू आपका 8 गिवन है, प्लस एन गिवन नहीं है एज इट इज़ रहेगा, डी भी गिवन नहीं है एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू 62। तो एन माइनस वन इंटू में डी, ये दोनों एज इट इज़ रह गया इक्वल टू 62। ये प्लस में 8 इधर आया तो माइनस में 8 हो गया। तो ये आपका एन माइनस वन इंटू में डी इक्वल टू 62 में 8 को हम माइनस करेंगे तो 54 आएगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ओके, ये हो गया आपका। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए ये आपका गिवन था, एक चीज़ और गिवन है आपका एस एन यानी सम ऑफ टर्म्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सम ऑफ टर्म्स। तो एस एन आपका कितना गिवन है 210। तो सबसे पहले हम लोग देखिए ये एस एन है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन बाई टू इंटू में ए प्लस एल, शॉर्ट फार्मूला ये होता है। और लॉन्ग फार्मूला क्या होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो हम लोग शॉर्ट फार्मूला का यूज क्यों करेंगे, चूंकि आपका लास्ट टर्म गिवन है, जब भी लास्ट टर्म गिवन रहेगा तो आप शॉर्ट फार्मूला का यूज कर सकते हैं। आप लॉन्ग फार्मूला का भी यूज कीजिएगा तो आंसर सेम आएगा। तो देखिए ये है आपका एस एन, तो एस एन का वैल्यू 210 है, तो 210 लिख लिए, इंटू में ये 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वल टू इधर एन बच गया, और ये ए है, ए का वैल्यू आपका 8 है, प्लस में L, L का मतलब होता है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म आपका कितना है 62। ए एन को हम लोग L से भी डिनोट कर सकते हैं जो है आपका 62, यानी L बोलिए या ए एन बोलिए दोनों को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो लास्ट टर्म आपका कितना है 62 है। तो 210 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 420 आएगा, 420 इक्वल टू एन इंटू 62 और 8 को प्लस करेंगे तो 70 हो जाएगा, कितना आएगा 70। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये आपका 70, ये हो गया 420, और ये 70 को नीचे कर देते हैं इधर, और इधर आपका n बचेगा, ये जीरो से ये जीरो कट गया। 7 का टेबल हम लोग 6 टाइम पढ़ते हैं तो 42 आएगा, यानी n का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 6 आ गया, ये 6 आपका एक आंसर हो गया, जो कि आपको n जो है वो फाइंड आउट करना था। और क्या आपको फाइंड करना है यहाँ पर, आपको फाइंड करना है यहाँ पर देखिए आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। एन तो फाइंड हो गया, अब आपको क्या करना है कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखिए आपका इक्वेशन 1 में क्या आया था, एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 54, एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 54। तो एन का वैल्यू आपका कितना आया 6 आया, तो एन के प्लेस पर हम लोग 6 माइनस 1 कर देते हैं इंटू डी इक्वल टू 54। तो दोनों को माइनस करते हैं तो 5 होगा, D इक्वल टू 54, तो D इज इक्वल टू 54 और ये 5 जो है वो नीचे चलाएगा। ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, ये भी आंसर आपका निकल आया। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं।
तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है ये, ए एन गिवेन है, डी भी गिवेन है, एस एन गिवेन है, आपको एन फाइंड आउट करना है और ए फाइंड आउट करना है, यानी एन फाइंड करना है टर्म्स और ए फाइंड करना है फर्स्ट टर्म। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ए एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ये फॉर्मूला होता है, ये है आपका ए एन। तो ए एन का वैल्यू आपका 4 गिवेन है इक्वल टू ए, ए यहाँ पर गिवेन नहीं है, ए तो आपको फाइंड आउट करना है, तो ए जो है वो एज इट इज रहेगा, प्लस एन माइनस वन, आपको यहाँ पर एन है तो एन गिवेन है क्या, नहीं गिवेन है, यहाँ पर कहीं भी एन गिवेन नहीं है, एन आपको फाइंड आउट करना है, तो ये भी एज इट इज़ रहेगा माइनस वन, और डी आपका गिवेन है 2, हम लोग यहाँ 2 लिख लिए, ये हो गया 4 इक्वल टू ए प्लस 2 को एन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, ये 4 माइनस 2 इधर आया तो प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू ए प्लस 2n एज इट इज़ रह गया, दोनों को प्लस करेंगे 6 होगा इक्वल टू ए प्लस 2n हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 6 ये प्लस में 2n इधर आया तो माइनस में 2n हो गया, तो क्या बचा इधर a बच गया, तो a इक्वल टू कितना हो गया 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n, ये हम लोग a का वैल्यू को फाइंड करके अभी रख लिए, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ये a का हम लोग निकाल के रख लिए, क्यों निकाल लें, चूँकि आगे हमको पुट करने में ईजी होगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, आपको तो ये an गिवन था, इसके हेल्प से हम लोग इक्वेशन नंबर 1 फाइंड आउट कर लिए, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ओके, चूंकि sn आपका यहाँ पर गिवन है, तो sn का यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे देखिए, sn इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, अब शॉर्ट फार्मूला का भी यूज़ करके आंसर ला सकते हो। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो गया sn, तो sn का जो वैल्यू है वो आपका गिवन है कितना, माइनस में 14, तो हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे, माइनस में 14, माइनस में 14 इंटू ये 2 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये n है तो n आपका गिवन नहीं है, ये एज इट इज़ रहेगा 2, अब ये a है, a भी गिवन नहीं है, ये भी एज इट इज़ रहेगा, प्लस ये n है तो n भी गिवन नहीं है, तो n भी क्या होगा आपका एज इट इज़ रहेगा, तो हम लोग इसको भी एज इट इज़ रहने देते हैं, माइनस 1, और ये d है, d आपका गिवन है 2, ये 2 लिख लिए, ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 28 होगा, माइनस 28, और ये n जो है उसको हम लोग नीचे कर देते हैं, ये नीचे आ जाएगा चूँकि इंटू के फॉर्म में है तो नीचे आएगा, इक्वल टू 2a प्लस 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, माइनस 28 अपॉन में n इक्वल टू 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 सब में है, तो 2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में a बचेगा प्लस 2 कॉमन आ चुका है, n बचेगा, माइनस 2 कॉमन आ चुका है तो इसके प्लस पे 1 बचेगा, ओके, अब क्या करेंगे देखिए, माइनस 28 अपॉन में n इंटू ये 2 नीचे चलाएगा, इधर क्या बचेगा, ये a है, तो देखिए यहाँ पर a का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल के रखे हुए हैं, a का a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, तो a के प्लस पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये a जो है a के प्लस पे हम लोग इसको लिख देते हैं 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n, ये a के प्लस पे, प्लस n एज इट इज़ रहेगा, माइनस 1 भी एज इट इज़ रहेगा, केवल हम लोग क्या किए, a के प्लेस पे हम लोग a का वैल्यू को पुट कर दिए, अब ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम 1, अब रीज़न भी लिख सकते हो, आप जब भी एग्जाम दोगे तो वहाँ पर रीज़न लिख लेना फ्रॉम 1, ओके, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 14 हो जाएगा, तो माइनस 14 बच गया इधर, माइनस 14 अपॉन में n इक्वल टू 6 में 1 माइनस करेंगे तो 5 होगा, 5 माइनस में 2n प्लस n, ये हो गया माइनस में 14, देखिए इधर हो गया माइनस में 14 अपॉन में n इक्वल टू 6 में 1 माइनस करेंगे तो 5 होगा, माइनस प्लस माइनस 2n में n को माइनस करेंगे तो ओनली n होगा, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस n हो जाएगा, ओके, अब क्या करेंगे, माइनस 14 इक्वल टू n को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n होगा, माइनस n को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर होगा, ओके, अब क्या करेंगे देखिए, इसको हम लोग एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं फिर से, माइनस 14 इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वायर, इसको हम लोग एक बार अरेंज करके लिख लिए, देखिए माइनस 5n है यहाँ पर, ये माइनस n स्क्वायर है, इधर आया तो प्लस n स्क्वायर, प्लस 5n इधर आया तो माइनस 5n, और माइनस 14 एज इट इज़ रहेगा इधर, ओके, यानी कि n स्क्वायर माइनस 5n माइनस में 14, अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, तो फर्स्ट वाला एज इट इज़ रहने देते हैं,
माइनस सेवन एन प्लस टू एन माइनस फोर्टीन इक्वल टू जीरो। फैक्टराइजेशन मैंने आपको सिखा दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फर्स्ट वाले को एज इट इज़ रहने देते हैं, लास्ट वाले को एज इट इज़ रहने देते हैं। माइनस प्लस माइनस, सेवन एन में टू एन माइनस करेंगे तो फाइव एन होगा, और सेवन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्टीन भी आ जाएगा। इसी को हम लोग फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब इन दोनों को ब्रैकेट में, इन दोनों को ब्रैकेट में हम लोग रख लेंगे। एन स्क्वायर माइनस सेवन एन प्लस टू एन माइनस फोर्टीन इक्वल टू में ज़ीरो। एन को यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में एन माइनस सेवन बचेगा, और प्लस यहाँ टू को कॉमन ले लेते हैं तो एन माइनस सेवन होगा, टू सेवन जो फोर्टीन इक्वल टू ज़ीरो। दोनों ब्रैकेट वाला सेम आया, इसका मतलब ये सही बना है। अब क्या करेंगे देखिए, दोनों में से किसी एक को हम लोग उतार लेते हैं। एन माइनस सेवन, अब ब्रैकेट के बाहर में एन प्लस टू है, एन प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको लेकर सॉल्व करते हैं, इसको जीरो के इक्वेट कर देते हैं। एन माइनस सेवन इक्वल टू ज़ीरो, तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेवन। ये हो गया आपका आंसर। इसको इग्नोर कर देंगे, चूँकि प्लस टू इधर आएगा तो माइनस टू हो जाएगा, माइनस में आंसर नहीं आएगा एन का, तो माइनस वाले को हम लोग इग्नोर करेंगे। ये आपका एन का वैल्यू एक आ गया, जो कि आपको फाइंड आउट करना था। अब आपको जो है एन का वैल्यू निकालना था, तो एन आ गया। अब आपको ए भी तो फाइंड करना है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो आपका इक्वेशन वन आया है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एन का वैल्यू पुट कर देंगे तो ए का वैल्यू निकल आएगा। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन में देखिए क्या आया हुआ है, ए इज इक्वल टू सिक्स माइनस टू एन, ए इक्वल टू सिक्स माइनस टू एन। तो ए इक्वल टू सिक्स माइनस टू इंटू एन, एन का वैल्यू सेवन आया, तो कितना हो जाएगा ये, ए इक्वल टू सिक्स माइनस टू सेवन जा फोर्टीन। तो ए इक्वल टू सिक्स में माइनस फोर्टीन करेंगे, ये अपोजिट सब्ट्रैक्शन है, तो माइनस में एट आएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर एट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा, जल्दी ही फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।